नौकरी छीन ली गई है और मेरा परिवार में मेरी वाइफ भी विकलांग है और मेरे घर में कोई नहीं है कमाने वाला। मैं 70 साल की मेरी माता जी हैं, मेरी दो लड़कियां हैं, बताइए कौन उनको रोटी देगा, मेरी रोटी छीन ली गई है। दिल्ली में जैसे जैसे कोविड के केसेस कम हुए, वैसे वैसे दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्चुअल हेल्थ केयर वर्कर्स की छटनी शुरू कर दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में नर्सेज, एमटीएस, सैनिटेशन वर्कर्स और टेक्निकल ऑपरेटर्स को टर्मिनेट कर दिया गया या उन्हें उनका टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है। बीते महीने आरएमएल हॉस्पिटल से टर्मिनेट किए गए नानक चंद अपने आंसू को रोक नहीं सके। पूरे परिवार का अकेले भरण पोषण करने वाले नानक चंद के लिए अब अपने परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। मैं अभी कुछ कारण बताया नहीं है और एकदम से टर्मिनेट लेटर दे दिया है और बोल दिया है कि कल से आना नहीं है। और बताइए 10-12 साल काम करते हो गए, अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 9 बजे ड्यूटी पर आ जाते हैं और 4 बजे तक अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मैं खुद विकलांग हूँ और विकलांगों के लिए विकलांगों की सेवा कर रहा हूँ, पीएमआर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ जिसमें रिहैबिलिटेशन किया जाता है विकलांगों के लिए, मगर मेरी नौकरी छीन ली गई है और मेरा परिवार में मेरी वाइफ भी विकलांग है और मेरे घर में कोई नहीं है कमाने वाला। मैं 70 साल की मेरी माता जी हैं, मेरी दो लड़कियां हैं, बताइए कौन उनको रोटी देगा, मेरी रोटी छीन ली गई है। नानक चंद ने आरएमएल में 12 साल से भी ज्यादा अपनी सेवा दी है और अब वो इस बात को लेकर खासे चिंतित हैं कि इस उम्र में शायद ही उन्हें कहीं और कोई काम मिले। 6 हमारी पोस्ट है वर्कशॉप वर्कर की जिस पे कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, 6 के बदले मैं अकेला काम कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। तो क्या अब अस्पताल को ये लगने लगा है कि आपकी कोई जरूरत नहीं है? पहले तो हमसे काम ले लिया, अब काम लेने के बाद में अब जब हमारी उम्र हो गई हमें कह रहे कि अब तुम्हारा यहाँ कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है, ऐसे करके निकाला जा रहा है और बोल रहे हैं कि जितने भी पेशेंट आते हैं वो सारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं। आरएमएल में ही 13 साल अपनी सेवा देने वाली सुनीता के लिए भी आगे की राह काफी मुश्किल हो गई है। पूरा पीक टाइम अपनी लाइफ का हम यहाँ पे दे चुके हैं और हमारी फैमिली की कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है कि हम एक महीना भी इस चीज को झेल पाए। मैं खुद सिंगल पेरेंट्स हूँ, मेरी बेटी अब हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रखा है बेटी ने, एकदम से मैं इस चीज को झेल नहीं पा रही हूँ। आरएमएल हॉस्पिटल से टर्मिनेट किए गए कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स ने इसकी शिकायत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में किया था। इस मामले में फिर कैट की तरफ से स्टे लगा दिया गया, बावजूद इन्हें नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है। मार्च में लगभग 10 या 12 मार्च के आसपास हमें टर्मिनेशन लेटर आया हमारे लिए कि आप लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है, उसका कोई रीजन अभी तक हमें नहीं पता है, बस हमें इतना पता है कि हमें टर्मिनेट किया जा रहा है। और उसके बाद हमने कोर्ट में जो अपनी एप्लीकेशन लगाई उसमें हमें स्टे मिला 25 अप्रैल तक का, जिसको हमारे हॉस्पिटल ने डिनाई कर दिया। हम ये नहीं कह रहे कि हमें रेगुलर किया जाए, हमारी सिर्फ डिमांड इतनी है कि जिस पद पे जिस पोस्ट पे हम अभी भी काम कर रहे हैं हमें उसी तरह हमारी जॉब हमें वापस दी जाए, कम से कम कोर्ट का आदर किया जाए, कोर्ट को भी डिनाई किया जा रहा है हमारे हॉस्पिटल में। लेडी हार्डिंग में सैनिटेशन वर्कर के रूप में काम करने वाले सेवक राम को भी अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है। जिस प्राइवेट एजेंसी के अंडर वो काम करते हैं उसने एक नोटिस चिपकाकर बताया कि उसका करार अब इस हॉस्पिटल से खत्म हो रहा है। अब इसके पीछे क्या राज है क्या नहीं राज है, 1 तारीख में क्या होने वाला ये तो यही जाने अंदर की बात, बात कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपका ठेकेदार जाने, आपका सुपरवाइजर जाने, ये बोल देते हैं, या तो सुपरवाइजर ही तानाशाह हो रहा, जिसको मर्जी गाली गलौज करो, जिसको मर्जी खड़े कर देता है लाइन में, वर्कर फिर भी कम है। आरटीआई के माध्यम से भी 103 वर्कर में से 60-65 वर्कर है कुल, और जब मिनिस्ट्री का राउंड होता है तो इवनिंग वाले बंदे वो खड़ा कर लेते हैं, बंदे पूरे दिखाते थे। लेडी हार्डिंग में वेंटिलेटर ऑपरेटर का काम करने वाले सचिन को भी बीते महीने टर्मिनेट कर दिया गया।
वो बताते हैं कि हॉस्पिटल में स्टाफ की भारी कमी है, बावजूद इसके उन्हें नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है। सर, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है, कोई वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाला कोई भी नहीं है। जो हम 26 टेक्नीशियन थे जिनको बाहर कर दिया गया है, अब उनको ऑपरेट करने के लिए कोई भी नहीं है। वेंटिलेटर हो गया, मॉनिटर हो गया, इन्फ्यूजन पंप हो गया, जितने भी टेक्निकल चीज़ थी सारा कुछ, ECG मशीन हो गया, कोई ऑपरेट करने वाला नहीं है अंदर। सचिन बताते हैं कि जब यहाँ पर उनकी नौकरी लगी थी तो पहले 6 महीने तक उनके वेतन से 10-10 हज़ार रुपये काटे गए थे। सर, हमसे जो उन्होंने बोला, मतलब हमारी जो हमें जब लगाया गया था तो हमारी सैलरी से पैसे काटते थे। 6 महीने तक हमसे 10-10 हज़ार रुपये उन्होंने काटा। जो भी नई कंपनी आएगी वो फिर डिमांड करेगी, फिर अपनी सैलरी से कटाओ पैसा पूरा, ऐसे उस हिसाब से। सर ऐसे कब तक पैसा कटाते रहेंगे? टर्मिनेटेड कर्मचारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर आउटसोर्सिंग को प्रमोट करने का आरोप लगाते हैं। लेडी हार्डिंग के कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स द्वारा दायर किए गए एक पिटीशन पर फैसला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा था कि नया कॉन्ट्रैक्टर आने के बाद इस तरह से कर्मचारियों को नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर नए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा पैसे वसूली की जाँच के निर्देश भी दिए थे। डिपार्टमेंट को, हॉस्पिटल को आज हमारी ज़रूरत है ऐसा नहीं है, नहीं है, पर फिर भी ये मंत्रालय रखना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि ठेकेदारी के तहत आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पोस्टों को ठेकेदारी में भरा जाए ताकि ठेकेदार से कुछ बड़ा मुनाफा या कुछ दूसरी चीज़ ली जा सके। सर, मैं अकेली पेरेंट्स को अपने घर में बच्चों को, छोटे बच्चों को घर में छोड़ के कोविड के समय में हमने काम किया और अब उनको ज़रूरत है अंदर वर्कर्स की, फिर भी हम लोगों को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा, नए तरीके से पैसे खाएंगे, नए उनको नया बेनिफिट होगा, बस इसलिए हम लोगों को नहीं ले रहे। इस मामले में लेबर कोर्ट ने भी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी करते हुए सेक्शन 33 यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इम्पोज कर दिया है। सर्विस कंडीशन विदाउट परमिशन ऑफ अथॉरिटी और कोर्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। 30 को हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस वो सर्व कर दिया कोर्ट का, 31 तारीख को कोर्ट में इनको बुला लिया गया। कोर्ट में ये आए, ठीक है, और बोले कि हमें अपना ये पिटीशन की कॉपी लेके गए और बोले कि हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। फिर आपको 1 तारीख को इनको ड्यूटी पे नहीं लिया है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने जब जाके प्रशासन के ऑफिस के आगे गए हम लोग, तो इन्होंने बोला कि हम तो, तुम लोग कौन हो हम नहीं जानते हैं, तुम ठेकेदार के आदमी हो, आज तक हम तुमको नहीं जानते हैं। हम लोगों ने कोर्ट के केस का ऑर्डर का हवाला दिया भाई कि कानून तो भाई ऐसा कहता है, बोला हम नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक रीसेंट जजमेंट में यह कहा था कि कोई भी एडहॉक एम्प्लॉय को दूसरे एडहॉक एम्प्लॉय से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एक्टू के सचिव और इस मामले में वर्कर्स की तरफ से वकील सूर्य प्रकाश बताते हैं कि उनके पक्ष में लेबर कोर्ट, कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबके ऑर्डर हैं, बावजूद इसके प्रशासन मान नहीं रहा है। हमने इस बारे में प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह सब कुछ प्राइवेट एजेंसी पर थोप दिया गया। कोर्ट ने बोला कि भाई तुम्हारे पास इतना सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, तो आप नीचे जो अथॉरिटीज है नीचे वाले कोर्ट के पास जाइए आप। तो अभी नीचे वाले कोर्ट में ही तारीख चल रही थी, ठीक है ना, और आपको 22 को नीचे का कोर्ट ने भी कह दिया कि आपको रखना है, ठीक है ना, और आपको ऊपर ये रिपोर्ट इन्होंने भेजने का, मतलब अनुमोदन करने की स्वीकृति दे दी है। अब क्योंकि हाईकोर्ट ने हमें नीचे जाने को बोला था, तो हम लोग अब फिर नीचे वाले कोर्ट का ही ऑर्डर लेके फिर हम लोग डिवीजन बेंच पे अब जाएंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है अभी आपने दिया है कि कोई वर्कर को हटाया नहीं जा सकता है सैटरडे को, ठीक है ना, ठेका कर्मचारी को दूसरे ठेका कर्मचारी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, बहुत सारे पहले से भी ऑर्डर्स हैं ऐसे, तो भी इनके किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अपने एक नोटिफिकेशन में कहा था कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करेंगे उन्हें इंसेंटिव और सम्मान दिया जाएगा, लेकिन ये कर्मचारी इस बात से नाराज हैं कि ये सब तो दूर, उन्हें कोविड के बाद नौकरी तक से निकाल दिया जा रहा है। नहीं, वो नहीं मान रहे, मैंने बात की थी लेबर ऑफिसर से भी, बात की थी DDA से भी बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक है आप कोर्ट में लड़ो जाके, और मिनिस्ट्री से फंड नहीं आ रहा आपके लिए, हम लोगों के लिए फंड नहीं है, मतलब जो हम कोविड वॉरियर्स हैं, मतलब हमारे लिए फूल हैं, फूल बरसा देंगे, तालियां ही बजवा देंगे, दिए बत्ती सब जला देंगे,
लेकिन हमारे लिए फंड नहीं है, मतलब हमारी सैलरी नहीं मिलेगी बस। जी फंड की कमी तो नहीं है, इतनी बड़े बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जा रही हैं और टैलों को तोड़ के मार्बल लगाए जा रहे हैं और नई नई चीज़ों को कंडम किया जा रहा है, उसकी जगह पर नए नए चीज़ें लाए जा रहे हैं। हम 10,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए फंड नहीं है, आउटसोर्स किया जा रहा है, आउटसोर्स करके प्राइवेट कंपनी को दे देंगे, प्राइवेट कंपनी को देने के बाद में फिर हमसे फिर 20-25 रुपये फिर लिया जाएगा, बताइए हम कहाँ से देंगे इतना पैसा। पैसे जुड़ने के लिए नाम पर कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं जोड़ रखा, तनख्वाह ही इतनी कम थी 7,730 रुपये या अब वो जा करके 20,000 हो गई है, उसमें क्या जोड़ सकते हैं क्या बचा सकते हैं ये सबको पता है, हर आदमी को समझ सकता है कि कितना उसमें पैसा बचाया जा सकता था, कुछ नहीं बचता था। और इसी आस में कि हमें एक दिन या तो परमानेंट करेंगे या इसी तरह ही हमारी 60 साल तक की नौकरी को मतलब रखेंगे, जारी रखेंगे, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि निकाल के बाहर कर दिया। सुविधा देने, प्राथमिकता देने या किसी तरीके का इंसेंटिव देने के जगह पुलिस उठा के ले गई, गाली गलौज की, धमकाई और प्रशासन ने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, यही इनका फल मिला है। आपको कोरोना में अपनों को खोने का दर्द उठाने का, बीमार रहे हैं उसका पैसा नहीं मिला है, तब भी आज इन्हें पूरा प्रशासन, पूरा सरकारी महकमा इन्हें पहचानने से इनकार कर दे रहा है। बीते दिनों दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे नर्सेस को टर्मिनेट किया गया था और इसकी वजह फंड्स की कमी बताई गई थी। हालांकि बाद में उन्हें 31 मई तक का एक्सटेंशन मिला जिसमें यह कहा गया है कि वो अपनी नौकरी को परमानेंट करने का दावा नहीं कर सकते। डीएमके से राज्यसभा सांसद एम शनमुगम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर इन हेल्थ केयर वर्कर्स के इश्यूज को उठाया था। मध्य प्रदेश के गुना कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाजपा सांसद कृष्णपाल सिंह यादव ने भी लोकसभा में इन हेल्थ केयर वर्कर्स की नौकरी को पक्की करने की बात उठाई थी। कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हुई थीं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी चिंता न करते हुए मरीजों की सेवा की और कोरोना की हर लहर में लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत सरकार के अथक प्रयास से आज देश में कोरोना के मामले बहुत कम हैं और टीकाकरण अभियान ही 184 करोड़ तक पहुंच गया है। विभिन्न राज्यों में कोरोना के मरीजों की कमी के कारण संविदा पर नियुक्त हुए इन चिकित्सकों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया जा रहा है जिससे यह चिकित्सक बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा सरकार से आग्रह है कि लाखों की संख्या में नियुक्त हुई इन चिकित्सकों और कर्मचारियों की मेहनत को सम्मानित करते हुए इनकी सेवाओं का नियमितीकरण के साथ इनको नियुक्त किए गए पदों पर स्थायी नौकरियां दी जाएं, जिससे हमारे देश के डॉक्टर पेशेंट रेशो को सुधारा जा सके और जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े और आयुष्मान भारत का सपना साकार हो। तो टर्मिनेटेड हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हालात काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। वो कोर्ट से न्याय की उम्मीद तो कर रहे हैं लेकिन प्रशासन कोर्ट के उन ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दे रहा है, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी वो लगातार एक महीने से यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार और प्रशासन उनकी इस मांग को संज्ञान में लेते हुए क्या उनकी मांगों को पूरा करती है या फिर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ मैं ऋषिकेश, मोजो स्टोरी के लिए दिल्ली से। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।